प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पहले भाषा पाठ में पढ़ चुके थे, भाषा क्या है, भाषा का क्या उपयोग है तथा भाषा क्यों आवश्यक है, आज हम जानेंगे भाषा के बारे में कुछ और बातें। प्रस्तुत चित्र में दो तरीके की भाषाओं का उपयोग हो रहा है, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। कमरे में बैठे हुए एक बूढ़े व्यक्ति अखबार पढ़ रहे हैं, वह भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर रहे हैं। एक बूढ़ी महिला छोटे से बच्चे को किताब में से पढ़कर कहानी सुना रही हैं। यह भी भाषा का लिखित रूप है, क्योंकि अखबार तथा पुस्तक के माध्यम से लिखित भाषा के जरिए बच्चे को बात बताई जा रही है। बूढ़े व्यक्ति के पास खड़ा एक बच्चा तथा एक बच्ची एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर कर रहे हैं। यह है भाषा का मौखिक रूप। चित्र में एक महिला भी हैं जिनके हाथ में फोन है और वह शायद किसी से बात कर रही हैं, तो वह भी भाषा के मौखिक रूप का उपयोग कर रही हैं। भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की भाषा है बांग्ला, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, उड़ीसा की भाषा उड़िया है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु की भाषा तमिल है तथा गुजरात की भाषा गुजराती है। हर भाषा को लिखने का अपना एक तरीका होता है, इसीलिए भाषा लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। आइए अब कुछ और जानते हैं शब्द और वाक्य के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। यदि शब्द अपने सार्थक समूह में एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए तो वह शब्द सार्थक की जगह निरर्थक हो जाते हैं, अर्थात उनके जुड़े रहने का कोई अर्थ नहीं है और वह वाक्य नहीं बनाते। वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं शब्द और शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं वाक्य। इस पाठ में हमने यह जाना कि शब्दों के सार्थक मेल से ही वाक्य बनते हैं, अर्थात अगर हमें कोई वाक्य बनाना है तो हमें शब्दों का सही तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वह वाक्य पूरा नहीं होगा, न ही किसी को समझ में आएगा। समझ आई बच्चों?